तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमने इनकम टैक्स पे करना होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए जो हमने एक पहले फॉर्म सबमिट करना होता है हमारे डिपार्टमेंट को, उस फॉर्म को हम कैसे कहाँ से निकालें, आज उसके बारे हम जानेंगे। चलते हैं आज की वीडियो की ओर। इस फॉर्म का ऑप्शन पहले से ही HRMS साइट है जो हमारी, जहाँ पे हमारे सैलरी बिल जनरेट होते हैं, वहाँ पे डाला हुआ है। ये फॉर्म अप्लाई खुद अपनी आईडी में जाकर वहाँ से निकाल सकता है। चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले हमने जो हमारी HRMS की आईडी है उसको लॉग इन कर लेना है। जो हमारा HRMS का अकाउंट है वो हमने ओपन कर लिया है। वहाँ पे सबसे पहले हमने माई सर्विस पे जाना है। माई सर्विस में माई पे पेरोल सर्विस में जाकर यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है इनकम टैक्स कैलकुलेशन, इनकम टैक्स कैलकुलेशन शीट, जहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक फॉर्म खुल जाएगा। ये देखिए जहाँ सबसे पहले हमारे जहाँ पे हमारे जो पार्टिकुलर है वो दिए गए हैं, तो नेम वगैरह जो भी है। उसके बाद हमारी जो ग्रोथ सैलरी है जो हमने विड्रॉल की है वो जहाँ पे शो कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 40,000 रुपये की हमें शॉर्ट है इनकम टैक्स में, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे दी गई है। उसके बाद जो भी आपको एग्जेम्प्टेड है वो यहाँ पे आप जहाँ पे फिल कर सकते हैं। जो देखिए यहाँ पे जो हमारा डेवलपमेंट टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, वो हमने पहले से फिल कर दिया है, जो हमारी ग्रोथ सैलरी में से कम हो जाएगा। तो जो हमारी नेट इनकम है वो ये वाली है। उसके बाद सभी जे सभी फिल करने के बाद जो भी हमारे हाउस लोन वगैरह है, जो भी हम यहाँ पे हम 2 लाख तक की जो इंटरेस्ट है हाउस लोन का वो हम वहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर हमारी कोई अदर सोर्सेज में इनकम है तो वो भी हम जहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कोई हमारा इंटरेस्ट वगैरह होता है। जैसे ये देखिए मैं यहाँ पे अदर सोर्सेज में और इनकम डाल रहा हूँ। तो उसके बाद हमारी जो सेविंग्स है, तो जो मैक्सिमम 1.5 लाख तक की कर सकते हैं हम, वो हम जहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने LIC 20,000 रुपये डाल दिया है, ये देखिए। उसके बाद मैंने ट्यूशन फीस 20,000 रुपये डाल दिया है। ऐसे मैंने जो हमारी सेविंग्स है मैं वहाँ पे और भी डाल सकता हूँ, जो आप NSC वगैरह, PPF जो भी है, जो भी आपकी PLI जो भी है, आप सभी ऑप्शन जहाँ पे दिए गए हैं वो हम जहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास CPF का टायर काउंट है, टायर 2 काउंट है, उसकी उसके लिए जो 50,000 रुपये की हमें एक्स्ट्रा छूट मिलती है वो भी हम जहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद सभी जो डिडक्शन करने के बाद हम सारा जो टोटल लग जाता है हमारा, तो उसके बाद जो हमारा टैक्सेबल इनकम है वो इतनी बन जाती है। सभी ये कैलकुलेट कर देते हैं नीचे आकर, जो हमारा टैक्स है वो भी इसने कैलकुलेट कर दिया है। ये देखिए जहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है अभी कैसे कैसे इनकम टैक्स को कैलकुलेट किया गया है। उसके बाद उसके ऊपर जो एजुकेशन सेस है हमारा, हायर एजुकेशन सेस है, वो सभी लग जाता है यहाँ पर। उसके बाद जो हमारा जहाँ पे ये देखिए हमने 10,536 रुपये हमारा जहाँ पे टैक्स बन चुका है, जो हमने पे कर दिया है वो हमने 11,000 रुपये हमने जनवरी टिल जनवरी तक हमने पे कर दिया है अपनी सैलरी से। ये देखिए सभी डिटेल्स इंटर करने के बाद जहाँ पे जो फॉर्म है उसको हम सेव कर सकते हैं, ये फॉर्म सेव हो जाएगा। उसके बाद इसको प्रिंट निकाल सकते हैं।